नमस्कार, जिम्मेदार कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल देव। आज हम और आप अंदर चलेंगे एक सपनों की दुनिया के, एक ऐसी दुनिया जो बुनती है और बेचती है सपने, ऐसे सपने जिनके चुंबक से खींचकर सारे देश से हजारों जवान लड़के और लड़की और कुछ बड़े भी चले आते हैं हर साल मुंबई की महानगरी में या दिल्ली के रैंप पर। अर्थात दुनिया फिल्मों की, टेलीविजन सीरियल्स की, फैशन की, ग्लैमर की। और देखेंगे कि इस चमकदार, लुभावनी, रंगीन, चुंबकीय जिंदगी के पीछे क्या कोई दूसरी जिंदगी भी है जो मजबूर करती है कुछ लोगों को अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेने का, यानी आत्महत्या। इन दो एक्सट्रीम्स के बीच इस जिंदगी को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आज के जिम्मेदार कौन में, इस कोशिश के साथ, इस सवाल के साथ कि क्या और कौन है इसके लिए जिम्मेदार। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास लोग हैं। साई देवधर, जानी मानी अभिनेत्री, संगीता जानी, द आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका जो लोगों को रास्ता दिखाती हैं शायद, और डॉक्टर अंजलि छाबरिया, मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट। आप तीनों का बहुत स्वागत है। इन तीनों से और अपने इस बड़ी युवा ऑडियंस से बात करने से पहले हम देखते हैं कि कौन सी वो वजहें हैं और वो घटनाएं हैं जिनके कारण हमें ये सवाल उठाने पर मजबूर होना पड़ा। पिछले दिनों टेलीविजन की एक उभरती अदाकारा कुलजीत रंधावा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा गया कि वे डिप्रेशन की शिकार थी। इससे 1.5 साल पहले सुपर मॉडल एवं कुलजीत की दोस्त नफीसा जोसेफ ने अपनी शादी टूटने पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पिछले साल बीमार और अकेलेपन की शिकार एवं एक समय की मशहूर अदाकारा रही परवीन बॉबी की मृत्यु हो गई। मशहूर अदाकारा नादिरा ने इसी महीने अकेलेपन से तंग आकर मौत का दामन थाम लिया। 1993 में युवा अभिनेत्री दिव्या भारती ने अपनी बिल्डिंग की छठी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। अपनी विवादास्पद मृत्यु से कई साल पहले एक गायिका एवं अदाकारा सुरैया अकेलेपन की शिकार रही। निर्देशक गुरुदत्त ने 5 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार 1964 में खुदकुशी कर ही ली। मीना कुमारी ने अकेलेपन को मात देने के लिए बोतल का सहारा क्या लिया कि उसकी शराब ही उस जबरदस्त अदाकारा को लील गई। सपने बेचकर करोड़ों की मल्लिका बनी इस फिल्म इंडस्ट्री में आखिर ऐसी क्या बात है जो इसके चहेतों को नाम, पैसा, शोहरत और महत्वाकांक्षा का कोई भी मुकाम, शांति और प्रसन्नता नहीं दे पाता। करोड़ों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाले ये कलाकार अपनी निजी जिंदगी में इतने अकेले क्यों हो जाते हैं? कभी एक से दूसरे, फिर तीसरे रिश्ते का सफर, कभी इनसिक्योरिटी से परेशान, कभी बाकी स्टार से झगड़े, कभी स्टैंडर्ड मेंटेन करने का दबाव, तो कभी जिंदगी के खालीपन को शराब से भरने की नाकाम कोशिश, कभी अकेलेपन को मात देने की दौड़ में अनेक बीमारियों का सामना, और कभी असहनीय दुख और दर्द से बचने के लिए आत्महत्या। स्ट्रेस यानी तनाव ने अनेक रूपों में अपना लबादा उढ़ाया है ग्लैमर की दुनिया के इन तीमारदारों को। इतनी जिंदगियों को निराशा के गर्त में धकेलने का आखिर जिम्मेदार कौन? साई, ये बड़ा थोड़ा ड्रामेटिक भी था, लेकिन आपको ऐसी जब घटनाएं होती हैं नफीसा जोसेफ की या कुलजीत रंधावा की, कभी कुछ डर लगता है उनके बारे में जानकर, पढ़कर, देखकर? बॉम्बे में रहना ही बहुत बड़ी डर की बात है आजकल, क्योंकि द स्ट्रेस लेवल बॉम्बे में जो है वो बाकी शहरों से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए आप, कॉर्पोरेट हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, जो भी हो, वहाँ पे स्ट्रेस लेवल आजकल बहुत ज़्यादा है। और ये जो आपने कुछ चेहरे जो दिखाए अभी यहाँ पर, इनसे बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में जो आत्महत्या करते पेपर में छापा जाता रोज। बीच में एक औरत ने अपनी छोटी सी बच्ची को मार दिया और वो भी आत्महत्या करने वाली थी लेकिन उन्हें बचा लिया। तो आई गेस स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये बॉम्बे का एक हिस्सा बन चुके हैं। और आम लोगों को बॉम्बे से बाहर भी लोग आत्महत्या करते हैं, बॉम्बे से बाहर भी करते हैं, देश में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बॉम्बे स्पेशली, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है, बेसिक नेसेसिटीज मिलना इतनी मुश्किल हो गई है, पैसे कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक मराठी में हमारे कहते हैं कि सगळ्या गोष्टीचा आव अंटा येतो पण पैशाचा अंटा येत नाही, मतलब हर चीज़ का आप दिखावा कर सकते हो लेकिन पैसे का, जो एक्चुअल पैसा है, उसका आप वो नहीं कर सकते। यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू, पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। या दूसरी चीज़ जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, भीतरी खुशी या एक हिम्मत या ताकत, वो भी अगर कम हो जाए तो मुश्किल हो जाता। नहीं, आपको नहीं लगता कि केवल आर्थिक कारणों से ही आत्महत्या नहीं होती?
नहीं बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आर्थिक कारणों से आत्महत्या नहीं होती, लेकिन आई गेस काफी चीजें पैसों से रिलेटेड हो जाती हैं। जरूर, लेकिन आप कह रही हैं अगर मैं समझ रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री या ग्लैमर इंडस्ट्री में अलग से कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जो एक आम लोगों की मुंबई या बाहर जिंदगी में स्ट्रेस है, दबाव है, वही उतना ही यहाँ भी है। नहीं, थोड़ा सा आई गेस डेफिनेटली अलग तरीके का स्ट्रेस है जो मैं मानती हूँ, लेकिन वो स्ट्रेस है एक तो स्पेशली अगर आप ये सारी जो अभिनेत्रियाँ थी या एक्टर्स थे, आपका चेहरा जो है वो सेल करता है, तो बेसिक इनसिक्योरिटी वही होती कि कल को अगर मैं बूढ़ा हो जाऊँ या बूढ़ी हो जाऊँ, कल को लोग, नई जनरेशन आएगी, लोग मुझे नहीं देखना पसंद करेंगे, तो क्या होगा मेरा ये जो आज ग्लैमर है। मैक्सिमम एक्टर्स जो है इनसिक्योर हैं और उनको डेफिनेटली इनसिक्योरिटी है, क्योंकि कल को अगर ये शक्ल नहीं बिकेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, लोग मुझे उतना प्यार नहीं करेंगे, अगली फिल्म हिट नहीं हुई तो क्या होगा, आई विल बी फॉरगॉटन। तो अंजलि, आप तो मनोचिकित्सक हैं, आपके पास लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, अगर इस ग्लैमर की दुनिया की बात करें तो क्या यहाँ से भी आपके पास लोग आते हैं? हाँ जी, आते हैं। और ग्लैमर की दुनिया में स्ट्रेस ऐसे होता है कि जब तक आप अपने एक मकाम तक नहीं पहुँचते तब तक आपको स्ट्रेस रहता है। जब एक बुनियादी पहला सवाल जो साई से बातचीत शुरू हुई थी कि स्ट्रेस सब जगह है, सब लोगों को है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग है जो इस उद्योग के साथ जुड़ा हुआ है, वो अतिरिक्त है, ऐसा कुछ है क्या, या सब में बराबर का स्ट्रेस? मैं वही बता रही थी आपको कि क्या होता है कि ये जो मतलब ऐसे है कि सब में स्ट्रेस है, फार्मर्स भी सुसाइड कमिट कर रहे हैं, मगर उनके बारे में हम इतना बातचीत नहीं करते, उनको हम टीवी पे नहीं ले आते हैं, मगर जो यहाँ के जो ग्लैमर दुनिया का स्ट्रेस है वो अलग सा स्ट्रेस है, क्योंकि जब तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुँचते। अलग इसलिए भी है, और मैं आ रहा हूँ साई की बात पे, इन्होंने कहा, इन्होंने उसमें पैसे वाली बात जो लाई ना, तो अब अगर किसान आत्महत्या करता है तो वो पैसे, वो गरीबी के कारण करता है, कर्ज ना चुका पाने के कारण करता है, लेकिन हमने ये जो किस्से अभी देखे, जो हम देखते हैं, ये पैसे की कमी के कारण नहीं आत्महत्या इन लोगों ने की है, वो अपने मन की या अपने जो भी भीतर था उसके साथ जी ना पाने की मजबूरी से आत्महत्या की है, तो बहुत बड़ा फर्क है। ये सब आर्थिक रूप से ज्यादातर सफल लोग हैं, सांसारिक दृष्टि से सफल लोग हैं, सफल ही नहीं है, प्रसिद्ध लोग हैं, और फिर भी आत्महत्या करते हैं। मगर देखिए, सफलता का जो एक डेफिनेशन है वो क्या है, आप समझते हैं कि वो सफल है, वो अपने आप को सफल समझते हैं या नहीं समझते हैं, वो भी एक बात है कि अगर मतलब सफल कितने हद तक सफल होना को सफल कहा जा सकता है। नहीं संगीता, हम इन लोगों को हम क्या कहेंगे, क्या या वो ये सफल हैं कि नहीं किसी न किसी रूप में, या आप कैसे देखती हैं? स्टैंडर्ड्स जैसे इन्होंने कहा अलग अलग हैं, हमारे मन में हैं। अगर आप मुझे पूछे तो सफल आदमी वो नहीं है जो बाहर जाके लोग वाह करे, तो मेरे ख्याल से सफल वो आदमी है जो अंदर तृप्त हो सके, अपने आप में पूर्ण हो। तो मेरे सफलता के स्टैंडर्ड और उनके सफलता तो के सीधे अध्यात्म के शिखर पर पहुंच गई। नहीं, मैं लेकिन ये बताइए एक मिनट, उससे पहले हमारे पास अभी समय है, हम इन बातों पे विस्तार से गहराई से बात करेंगे। आपके पास भी क्या इस उद्योग से, फिल्म टेलीविजन ग्लैमर फैशन से लोग आते हैं कुछ शांति की खोज में? बिल्कुल आते हैं। किस लिए? सभी तरह के लोग आते हैं, क्यों, इनको इंसान है वो भी, चाहे देखिए आदमी कोई भी फील्ड में हो, सभी को एक प्यास है, तो वो प्यास बुझाने के लिए जब तक वो सोर्स नहीं मिले कि ये प्यास बुझा सकता है मेरा, तब तक उनकी खोज जारी रहेगी। तो ये खोज पर हम अभी इस बड़ी अच्छे शब्द पर इस अपनी बात को रोक रहे हैं, क्योंकि समय है छोटा सा हमारे अर्धविराम का यानी ब्रेक का, लेकिन हमारी ये बातचीत अभी जारी ही हुई है और अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है, जाइएगा मत।
मदार कौन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्लैमर की, इस चकाचौंध चमकदार चमक भरी दुनिया की और उसके भीतर के सच की, जो कई कई बार बड़े कड़वे रूप में प्रकट होता है। साई, अभी संगीता बात कर रही थी खोज की, सब में एक खोज, सब एक खोज में हैं। कुछ लोग शांति के या भीतर के सहारे की खोज में, ग्लैमर की इस दुनिया में जो लोग आते हैं वो शांति खोजने नहीं आते, वो खोजने आते हैं सफलता, प्रसिद्धि, फेम, पैशन। बेसिकली जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, आई गेस उन्हें एक पैशन होता है कहीं ना कहीं। अगर पैशन ना हो तो बहुत ही मुश्किल है ये इंडस्ट्री, आप सस्टेन नहीं कर पाते। वो एक जुनून होना बहुत जरूरी है। जुनून तो, किस चीज का, पैशन किस चीज के लिए? क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी जो अंदर है उसको एक एक राह देने का, उसको एक एक्सप्रेशन देने का, उसके लिए लोग आते हैं यहाँ पे। एक एक्सप्रेशन के परफॉर्म करना है किसी को, किसी को डायरेक्ट करना है, तो उस वजह से लोग यहाँ आते हैं। और जो स्ट्रेस की बात कर रहे थे, जैसे इंडस्ट्री में हमारे स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, पैसे, जैसे एक सीरियल भी आप ले लो तो एक दिन का खर्चा आपका कम से कम 1,00,000 रुपया होता है। एक दिन अगर आपकी शूटिंग कैंसिल हो गई तो 1,00,000 प्रोड्यूसर के चले जाते हैं। तो प्रोड्यूसर के जाते हैं ना, प्रोड्यूसर बहुत कम हमने पाया है कि आत्महत्याएं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं जो हम देख रहे हैं, आत्महत्याएं हम जो देख रहे हैं ज्यादातर वो तो एक्टर्स एक्ट्रेसेस ज्यादा करते हैं। ये पिछले 10-15-20 सालों में इतने सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने आत्महत्या की। हम लोग क्योंकि हम दिखाते शायद एक्टर्स को ज्यादा। हाँ, शायद हो सकता है, लेकिन आई गेस देखिए, मैं सोचती हूँ सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं, हर जगह ये होता है, पर मीडिया का इंटरेस्ट सेलिब्रिटीज में ज्यादा रहता है, क्योंकि क्योंकि हमारे सारे साथियों का, हम सभी का। आप देखना चाहोगे कि नफीसा जोसेफ जी का कैसे कैसे आत्महत्या की है, ना कि किसी 10th की लड़की ने कैसे आत्महत्या की है। नहीं, लेकिन तो दैट्स क्योंकि दिस सेल्स। ठीक बात, ये इसमें हम लोगों का भी दोष है, हम मानते हैं कि हमने भी एक हद तक सेलिब्रिटी बनाया है लोगों को, हालांकि लोग बनना भी चाहते हैं और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। हमारे मित्र कुछ पूछना चाहते हैं। जी, मेरा मानना यह है कि आत्महत्या करने की जो वजह है, अल्टरनेट फ्यूचर नहीं होता है, और दूसरी बात, फीमेल एक्ट्रेस के अंदर में कंपटीशन ज़्यादा होता है, और जो उस वो अचीव नहीं कर पाते अपने आप को, तो उसके लिए शायद मेरे ख्याल से वो आत्महत्या करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने जो पहला पॉइंट बोला कि अल्टरनेटिव प्रोफेशन नहीं होता, यू हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जब लोग इंडस्ट्री में आते हैं वो एक बहुत ही अलग धारणा से आते हैं, उन्हें बाहर से जो लगता है बहुत इजी है वैसा होता नहीं, और वो प्रिपेयर्ड नहीं होते उस फेलियर के लिए। तो ये 50 साल अभी ये हो गए फिल्म इंडस्ट्री को शुरू हो गया, तो ये ऐसी कुछ रिवाज नहीं बना क्या अल्टरनेट फ्यूचर लेडीज को एक्ट्रेस? भाई हम लोग थोड़ा थोड़ा सीढ़ी फलांग गए, थोड़ा आगे चले गए, मैं थोड़ा अभी धीरे धीरे चलूंगा क्योंकि अभी इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं आपको। ये बताइए कि कुलजीत रंधावा की बात करें या नफीसा की बात करें, कुलजीत 25 साल की थी करीबन, 2 साल पहले इंडस्ट्री में और मुंबई में आई थी, सफल थी। इस 2 साल में उसने काफ़ी कुछ हासिल किया, उसको अच्छी कैंपेन्स मिली, अच्छी मॉडल थी वो, उसने 2 सीरियल्स में काम कर रही थी। कोई ऐसी समस्या कि उसको कैरियर उसका बंद हो गया हो, आगे के रास्ते बंद हो गए हों, उसका चेहरा बिगड़ गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसको आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? तो अब प्रोफेशन, उसके पर्सनल कोई रीजंस होंगे, तो उसका तो बेसिकली कोई संबंध ही नहीं है फिर इंडस्ट्री से या एक्ट्रेस बनने से। क्या सचमुच नहीं है? आपके पास आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जैसे रिश्ते बनते हैं या जो जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल आम लोगों जैसी होती हैं और कुछ अलग नहीं होता? नफीसा को या उनको जो करना पड़ा वो बिल्कुल आम बात थी? देखिए, जो उन्होंने किया है वो उन्होंने क्यों किया है वो सिर्फ वही कह सकते हैं, हम लोग तो अभी सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। मगर देखिए क्या है, उनके प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स आम जनता के जैसे ही होते हैं, मगर जो उनको एक एक्सप्रेशन कि अगर मेरा मूड आज ख़राब है, मैं बाहर जाके मैं चली जाऊँ, कहाँ मैं रोऊँ, या मेरा मतलब मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है या कुछ भी, कोई मुझे पहचानेगा नहीं, मगर उनके लिए एक रास्ते पर जाना या किसी से बातचीत करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए कि एक तो क्या ये हम मान सकते हैं कि उनकी जिंदगी आम जिंदगी नहीं होती है, एक आम आदमी के से बहुत अलग जिंदगी होती है। जी हाँ, जी हाँ, कि उनकी जो एक प्राइवेसी होती है वो प्राइवेसी नहीं होती है। फिर आप किससे बात करेंगे, आप अपना दुख किससे शेयर करेंगे, वो भी एक होता है कि अगर आम मतलब आम औरत किसी से अपने पड़ोसी से बात कर सकती है, अपने बहन से बात कर सकती है, अपने कोई दोस्त से बात कर सकती है, यहाँ पे जैसे आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं वहाँ पे आपकी लाइफ प्राइवेट होती है और एक लोनलीनेस हो जाती है।
लोनलीनेस तो एक ये शब्द हम बार बार सुनते हैं और जब मीडिया भी इन चीज़ों को रिपोर्ट करता है तो वो अपनी ओर से ईमानदारी से कोशिश करता है उन कारणों को समझने की कि जिनके कारण आत्महत्या किसी को करनी पड़ी और उसमें अक्सर ही बातें निकलती है अकेलापन किसी से कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ शेयर कर सकते थे सपोर्ट सिस्टम नहीं था सोशल सपोर्ट सिस्टम घर वालों से दूर दोस्त अच्छे नहीं रिश्तों में प्यार के संबंधों में नाकामी हो गई हमने जैसे अब नफीसा की बात करें अगर हमें मालूम है मुझे और इसका इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं, नहीं किसी भी लड़की के साथ हो सकता ये है ये इंडस्ट्री ऐसी है जो दूसरी इंडस्ट्रीज से थोड़ा इस मामले में अलग है कि यहाँ पर शायद संबंध बनाने के मौके ज्यादा मिलते हैं बार बार होते हैं नफीसा के पहले दो सगाइयां हो चुकी थी टूटी तीसरी हुई उसने भी तोड़ दी और शायद ये उसकी सबसे बड़ी कुंठा थी तो आई हैव एन ओपिनियन ऑन दिस एक्चुअली आई फील कि ये प्रॉब्लम्स तो सबके सेम होते हैं चाहे कोई भी इंडस्ट्री का हो पर ये इंडस्ट्री में ज़्यादा क्या रहता है ज़्यादा स्ट्रेस तनाव क्यों बढ़ता है इसलिए कि एक डिपेंडेंस रहती है लोगों के अप्रूवल की कि लोग जितना हम हमारा सेल्फ वर्थ लोगों के अप्रूवल पे बेस करते हैं तो ये 24 आवर्स एक तनाव रहता है इसमें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं कहीं जाऊँ तो लोग किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते अगर कोई सेलिब्रिटी रास्ते में चल के चला गया तो लोग बोलेंगे अरे ये हैं बस करके अपना आनंद लेके चले जाएंगे पर वो सेलिब्रिटी के मन में पूरा दिन चलता रहेगा देखो उन लोगों ने ये कमेंट पास की ऐसा तो, ऐसा है क्या देखिए बेसिक डिफरेंस हमारी इंडस्ट्री का और बाकी के इंडस्ट्री का है कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत क्षणिक है ये जो सक्सेस है वो बहुत जितने जल्दी आता है उतने जल्दी चला जाता है तो वो जब लोग कोप अप नहीं कर पाते फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या ये ऐसा भी तो नहीं कि इस इंडस्ट्री में जो रिश्ते बनते हैं वो भी क्षणिक होते हैं या उतने स्थायी नहीं होते उतने गहरे और मजबूत देखिए रिश्ते तो ऑनेस्टली हर आज के जमाने में तो रिश्ते सबके साथ ही बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल होने लग गए तो इंडस्ट्री का आई डोंट थिंक कोई इसमें ये है लेकिन वही है कि बहुत सक्सेस इतनी जल्दी मिल जाता है और वो इतनी जल्दी चला भी जाता है कि आदमी प्रिपेयर नहीं हो पाता जब वो उस फेलियर के लिए तो इसीलिए फिर दैट आई थिंक इज वन ऑफ द मेजर रीजंस इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन आई थिंक यू नो दिस इज एक एक्सपेक्टेशन होता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सब मुझे देख रहे हैं मुझे एक सही स्टेप लेना है सबों को अप्रूव करना है कि नहीं करना है मैं ये कर रही हूँ गलत है सही है लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मेरा रिश्ता टूट गया ये एक ईगो का भी एक मतलब मेरे साथ ऐसे हुआ मैंने इतना सब कुछ कर लिया फिर मेरे साथ ऐसे हुआ तो वो एक एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कॉन्स्टेंटली लोग मुझे देख रहे हैं बिल्कुल फीलिंग के कॉन्स्टेंटली सबको पता है मैं मार्केट में जाऊँ सबको पता है मेरी लाइफ में क्या हुआ है और ये डिपेंडेंस लोगों के अप्रूवल का इससे ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है और हर सेकंड आपको प्रूव करना है अपने आप को हर मतलब एक होता है कि एक शॉट भी अगर आप दो कि इसमें मुझे बेस्ट करना है नेक्स्ट शॉट भी आई हैव टू गिव माई बेस्ट तो प्रूव करना है कहीं भी अगर कोई आपको बोल दे नहीं यार ये अच्छा नहीं था तो इंस्टेंटली यू फील ओ गॉड आई हैव फेल्ड और जहां रिलेशंस की हर समय एक तरह से छुरे की धार पे आप हैं कि आपको यू हैव टू बी एट योर बेस्ट यू हैव टू बी एट योर बेस्ट बिकॉज़ जो कि संभव नहीं है बिल्कुल जो कि संभव नहीं है बिल्कुल और आप जानते हो कि इतनी इनसिक्योरिटी कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा कल मुझे कोई और मौका नहीं देगा आई बी आउट ऑफ द इंडस्ट्री तो ये जो डर है जो आमतौर पर शायद आम जिंदगियों में उतना नहीं होता होता है लेकिन कम होता है असफल होने का अगर मैं एक बार ये चूक गया एक शॉट गड़बड़ हो गया एक सीरियल गड़बड़ हो गया तो फिर आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी एक चीज तो है जो हम इस इंडस्ट्री को इस पूरे दुनिया को अलग करती है दूसरे हम बात करेंगे इस समूची ग्लैमर की दुनिया के और सचों की और सच्चाइयों की और उस छुरे की धार की और उस कीमत की जिसके कारण बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है लोगों को जाइएगा मत जिम्मेदार कौन में हम अभी लौटते हैं जिम्मेदार कौन में आपका स्वागत है
ग्लैमर की दुनिया और उसमें शामिल हर इंसान को जो जिस छुरे की धार पर हर समय अपने को कसते रहना पड़ता है कि एक बार चूके तो पता नहीं आगे क्या होगा, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये एक समस्या है क्या अंजलि? बड़ी गंभीर? डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्या है अपने को हर वक्त साबित करने की। जी, क्योंकि आप एक गलत कदम उठाएंगे तो मतलब मीडिया ही आपके ऊपर है कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए, अगर आम इंसान, सारा दोष मीडिया को दे रही है। नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, आम इंसान अगर झगड़ा करता है किसी के साथ, वो झगड़ा करके कल चले जाता है अपने घर पे। यहाँ पर अगर कोई ग्लैमर इंडस्ट्री का कोई झगड़ा करता है या कभी उसने कुछ ड्रिंक ज़्यादा कर ली या किसी से मारपीट हो गई, वो कल सुबह को क्या उसी रात को आपको सब टेलीविजन चैनल्स पे वो सब देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है, इतना प्रेशर हो जाता है, फिर 10 लोग उसका एनालिसिस करते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, इसको क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें एक प्रेशर होता है और वो प्रेशर। अंजलि, हमारे साथ दर्शक एक लाइन पर हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं कि ये टेलीविजन चैनल हमेशा नहीं थे। गुरुदत्त ने जब आत्महत्या की थी तो टेलीविजन चैनल्स ऐसे नहीं थे, या मीना कुमारी अकेलेपन में शराब में अगर डूबी थी। मुझे उसका भी जवाब है आपके पास, मुझे उसका जवाब है। जवाब है, लेकिन हमारे रोशन खान औरंगाबाद से हमारे साथ हैं। रोशन, अपना सवाल। ठीक है रोशन, हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्महत्याएं जो हो रही हैं उनका कारण सिर्फ तनाव है या कुछ और भी है। जी अंजलि, देखिए क्या होता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब बीमारी। डिप्रेशन ऐसे नहीं कि जो अगर हमें उदासी निराशी जो रोज होती है कोई कारण के लिए, उसे हम डिप्रेशन नहीं कहते हैं, वो तो एक डिप्रेशन की फीलिंग होती है। डिप्रेशन मतलब एक बीमारी जिसमें उदासी निराशी तनाव रोज लगना, रोज महसूस होना, आपकी भूख, आपका नींद उड़ जाना, ये जो बीमारी है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मतलब जो स्टडीज़ की गई हैं, WHO की स्टडीज़ की गई है कि डिप्रेशन इज़ द सेकेंड कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी इन इंडिया टुडे। और ये और एक चीज़ होती है, जितना आप हायर, आई थिंक डिप्रेशन जिसे हम हिंदी में अवसाद कहते हैं, वो दूसरा सबसे बड़ा कारण है। हाँ जी, मरने का। मानसिक मतलब मॉर्बिडिटी जो कहते हैं, मानसिक समस्या नहीं, समस्याओं का। तो क्या वो सब लोग, हम केवल फिल्म और इनको छोड़ दें, वो सब लोग जो लाइमलाइट में रहने के आदि हो जाते हैं, वो क्या डिप्रेशन के ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं? ज्यादा वही कह रही थी कि जितना आप ऊपर जाते हो जिंदगी में, उतने आपके दोस्त कम होने लगते हैं, उतना लोग आपसे जलते हैं, उतना आपको, जितना पेडेस्टल पे ऊपर जाओगे उतना आपको हमेशा हर वक्त आपको प्रूव करना है, हर वक्त जो भी, जैसे इन्होंने कहा कि हर चीज़ आपकी मैग्नीफाई की जाती है, आपको हमेशा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है, ये ऐसा इसने क्यों किया, ये ऐसा। जितना आप जितना बढ़ोगे तो जैसे लोनलीनेस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दैट, जितनी सक्सेस होती जाएगी उतने लोग आपसे कटते जाएंगे, उतने लोग आपसे दूर होते जाएंगे। तो दैट्स वन थिंग दैट हैपेंस। आई बेग टू डिफर, एक्चुअली आई फील, यू नो, मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव सभी तरह के लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो मुझे लगता है डिप्रेशन हर जगह है। हाँ। ऐसे नहीं है कि यहाँ ज़्यादा है बाहर कम है, हर जगह है। और मुझे लगता है इसलिए है कि जब इनिशियली तनाव जब शुरू होता है मन में, तब उसका कुछ सोल्यूशन जब करते हैं कोई, तभी इट गोज़ टू अ पॉइंट वेयर इट बिकम्स क्लिनिकल डिप्रेशन। हमारे साथी कुछ पूछना चाहते हैं। जी, मेरा सवाल साईं जी से है। साईं जी, आप भी एक मशहूर अभिनेत्री हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं, और जैसा कि आपने कहा कि हर वक्त मीडिया पर्सनालिटीज मतलब टीवी एक्ट्रेसेस को प्रूव करना होता है हर वक्त, तो क्या आपने कभी ऐसा दबाव महसूस किया है अपने ऊपर? देखिए, थैंकफुली मैं एक फिल्म बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरी मॉम जो है एक फिल्म मेकर है, मेरे पिताजी एक सिनेमाटोग्राफर है, तो ज़िंदगी में बचपन से इतने उतार चढ़ाव देखे ना इस इंडस्ट्री में, इसलिए मुझे मेंटली आई थिंक मॉम डैड ने बहुत प्रिपेयर करके रखा था कि बेटा ये कल नहीं रहेगा, तो आप सोच लो जब जा रहे हो इसमें, तो ये पहले सोच के जाओ कि बहुत इनसिक्योरिटी है यहाँ, आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे नहीं मिलने वाले, यहाँ आपको कोई आगे जाके देखने नहीं वाला, ये नौकरी नहीं है 9 to 5 की। तो ये भी हो सकता है कि 24-25 साल में आप रिटायर ही हो, आप बिल्कुल रिटायर, आपको जिंदगी फिर आगे काम भी ना मिले, तो ये सोच कर आप इस इंडस्ट्री में जाओ कि कुछ फॉल बैक, जैसे इन्होंने कहा था कि कुछ होना चाहिए आपकी जिंदगी में। जैसे कि अभी साई जी ने बोला था कि वो कोई अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते और उनके पास पैसा नहीं होता, और जैसे भी वो आत्महत्या करते इस कारण से, जैसे गुरुदत्त जी है जो बहुत फेमस कलाकार थे अपने बॉलीवुड के, और उसके अलावा दिव्या भारती जो
कुछ ही साल बॉलीवुड में रही लेकिन अपना कीर्तिमान बना के गई। आज तक दिव्या भारती को कोई भूलता नहीं है। मीना कुमारी जैसे देख लीजिए, उनके पास फेम भी था और दाम भी था, दोनों चीज उनके पास थी, फिर उनने क्यों सुसाइड किया? उनका क्या कारण रहा कि उन्होंने ऐसे सुसाइड कर लिया? दिव्या भारती जी का एक तो है कि उनकी जरा डेथ कॉन्ट्रोवर्शियल ही है। एग्जैक्टली पुलिस भी नहीं अभी ढूंढ पाई उनकी डेथ का रीजन क्या था। कुछ कहते हैं सुसाइड था, कुछ पता नहीं। So that is a little controversial thing. थी या आत्महत्या थी या exactly ये भी है कि एक्सीडेंट था नशे में वो exactly लेकिन, पता नहीं। लेकिन ये सबको पता है या जो चीजें बाहर आई थी कि दिव्या भारती की निजी जिंदगी, वैवाहिक जिंदगी बहुत कड़वी थी, बहुत जटिल थी, उलझी हुई थी और बहुत दुख भरी थी जी। और उनके झगड़े मियां बीवी के जो होते थे, शादी रही तो गुप्त रही, किसी को पता नहीं चला, तो समस्याएं जैसी हम बात कर रहे हैं वो थी वहाँ। आम लड़की की जैसे होती वैसे उनकी भी थी समस्या जी। सारे रिश्ते आर्थिक बुनियाद पर टिके होते हैं। ऐसा केवल इस इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बाहर भी होता है, हमारे आम जनजीवन में भी होता है। तो आखिर इंडस्ट्री के लोग रिश्ते बनाने से डरते क्यों हैं? जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं या जितने भी ऐसे केसेस हुए हैं तो फिर उनमें इन रिश्तों को ही क्यों महत्व दिया जाता है? जबकि आर्थिक ज़रूरतें भी हैं, आर्थिक प्रेशर भी है, आपको एक दबाव के अंदर काम करना है। तो फिर आप बताइए मुझे कि इस तरीके इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए? क्या आपकी इंडस्ट्री इन चीज़ों को सपोर्ट क्यों नहीं करती, कोई सहयोग क्यों नहीं करती? जब आप एक परिवार के रूप में हैं, कि उद्योग के रूप में हैं, तो आपको कोई हल निकालना चाहिए। तो इस पर आप कुछ बता सकते हैं? हल तो एक जो था कि जैसे भगवान दादा व्हेन ही डाइड कोई भी नहीं था उनके पास, अभी भी जो डेथ हुई, तो ये एक इंडस्ट्री डेफिनेटली इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इट कि एक फ़ंड होना चाहिए उनके लिए उनके ओल्ड एज में जब वो रिटायर करते हैं कि एक एक्स अमाउंट, ताकि ऐसे ना जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है सिनेमा के लिए ऐसे ही ना मर जाए कि कोई भी उनके रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है, हॉस्पिटल के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो उसके लिए इंडस्ट्री में काफ़ी अभी विवाद चल रहे हैं कि कोई फ़ंड कर दिया जाए कि पेंशन की तरह उनके लिए। And I also feel कि the main reason के लोग अपने आप को lonely महसूस करते हैं कि जो पहले सब रिश्ते थे अब रिश्ते नहीं रहे, हम जितने बढ़ते ज़्यादा ऊपर होते रिश्ते कम होते जाते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं है, कहीं सिचुएशंस परिस्थिति ऐसी आती है कि हम बस हमारा परिवार हमारे आसपास नहीं रह सकता है, पर एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो आत्मीयतापन रहती है लोगों के साथ, वो बनाए रखना चाहिए। संगीता मैं रोक रहा हूँ, आपने एक बात कही आत्मीयता, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पर बात करेंगे साई। लेकिन हमारे हमारे एक दर्शक गाजियाबाद से लाइन पर हैं, अपना सवाल पूछिए। आज क्या कोई ऐसी फील्ड है जिसमें तनाव नहीं है काम का? जी बताइए, हम भी वहाँ चले जाएंगे। हम सब ऐसे फील्ड के खोज में हैं जो जहाँ पे कोई तनाव नहीं हो और मजा ही मजा हो। तनाव मेरे हिसाब से बाहर नहीं रहता है, तनाव मन में रहता है। ये कम्प्लीटली पॉसिबल है कि आप चाहे कोई भी फील्ड में हो तनाव से मुक्त रह सकते हैं, पर इसके लिए हमें थोड़ा देखना चाहिए कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। अब तो देखिए सिचुएशन ऐसी है दुनिया में, पूरी दुनिया में, कि ट्रेडमिल पे जैसे लोग भागते हैं वैसे सब भाग रहे हैं, भागे जा रहे कहीं नहीं पहुँच रहे, पता भी नहीं कहाँ भाग रहे, क्यों भाग रहे, बस भाग रहे हैं। तो इसमें कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है, वो जो तृप्ति, वो जो आनंद जिसके लिए वो भाग रहे हैं वो तो मिल नहीं रहा है उनको। पैशन है या क्रिएटिविटी है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? एक चीज कभी नहीं होती, जरा 3-4 थिंग्स पहले, भाग क्यों रहे हैं? पैसे के लिए भाग रहे हैं। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई हो गया, इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया, इसलिए लोग भी भाग रहे हैं। तो आजकल की अभी हम कंपेयर करते हैं कि कितने साल पहले लोग सिंपल रहते थे, अब सिंप्लिसिटी चली गई है, जितनी टेक्नोलॉजी आएगी उतने हर चीज आई थिंक इंटरलिंक्ड है। निश्चित रूप से साई, थोड़ी सी इजाजत दीजिए कि हम इस पर विस्तार से बात कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी एक छोटा सा अर्धविराम ले लें, लेकिन जिम्मेदार कौन में हमारी ये गर्मा गर्म बहस अभी शुरू ही हुई है, जाइएगा मत। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और हम बात कर रहे हैं ग्लैमर की दुनिया की और उसकी भीतरी
थोड़े कड़वे और काले सच की। जी आपका एक सवाल। जो ग्लैमर इंडस्ट्री में जो आत्महत्या हो रही है उनके पीछे आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं? जो जैसे मैंने अभी अभी कहा कि हम सब भाग रहे हैं, जानते नहीं कहाँ भाग रहे हैं। हर इंसान एक ही चीज़ ढूंढ रहा है, अलग अलग जगह में ढूंढ रहा है। तो जैसे कि एक आदमी सोचता है हाँ ये ग्लैमर में पहुंचने से मुझे मेरी जो चाह है वो मुझे वहाँ जाके मिल जाएगी, तो नाम कमा लिया, सब कमा लिया, पर कहते हैं नहीं फिर भी कुछ अधूरा है, कुछ खाली है, शायद पैसे में है, तो पैसे के पीछे भागता है। पैसा मिल गया फिर भी वो अधूरापन रहता है। कहते पावर में है, पावर मिलता है फिर भी अधूरापन होता है, तो कहता है यहाँ भी नहीं है, क्योंकि जो है वो अल्टीमेटली हमारे अंदर हैं, जिसकी खोज है हमें वो हमारे भीतर ही हैं। ये जो अंदर एक बार थोड़ा कोई कुछ कर ले, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ले, ध्यान कर ले, एक मिनट ध्यान कर ले, प्राणायाम कर ले, तो वन सेकेंड अध्यात्म रास्ता है, एक रास्ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है स्थिरता अंदर, पूर्णता स्थिरता की एक फीलिंग आती है, यू नो यू फील कंप्लीट इन योर सेल्फ, तो उससे एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो हमें इतनी इफेक्ट नहीं करती है। मेरे ख्याल साई, साई से मैं कहना चाहूँगी बचपन से बच्चों को आजकल सिखाया जाता है एक मार्क तुम्हारा क्यों रह गया, ये तुम क्यों नहीं आए, तुम इसमें क्यों नहीं, तो आई गेस इसकी जो ये जो बात है ये सुसाइड डिप्रेशन है बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए माँ बाप ने। आजकल क्या हो गया है देखिए सुपरफिशियल लेवल पे नहीं होती ये चीज़ें, ये अंदर से आदमी को सिखानी पड़ती है बचपन से। अब माँ बाप जो है अनरियलिस्टिक चीज़ें अपने अनरीजनेबल चीज़ें अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, तू क्यों नहीं आया, वो आ गया फर्स्ट, तू क्यों नहीं आ पाया। हर बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चा अलग तरीके से जीना चाहता है, अलग तरीके से उसमें चीजें होती है। कॉम्पिटिटिव नहीं, उनमें जो हुनर है उनको ज्यादा प्रोत्साहन देने की कोशिश करें। अनरीजनेबल चीजें एक्सपेक्ट करना बच्चों से लीड्स टू लॉट ऑफ अदर थिंग्स लेटर। जैसे क्या होता है आगे जाकर, आई थिंक आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, मगर क्या है एक बच्चों को एक या हम लोग एक इमोशंस को एक महत्व ही नहीं देते हैं, हम दूसरी चीज़ों को महत्व देते हैं। अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है मैं बहुत उदास हूँ, आप बोलेंगे चलो चलो काम पे चलो, पूछेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं उसके साथ में कि आप क्यों उदास हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है। तो एक इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना वो भी बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए ज़्यादा शॉकिंग है 10th और 11th और 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है सोचना। वैल्यू सिस्टम है, कहीं ये वैल्यू सिस्टम गलत हो गई है, जहाँ बाहर जो पाने में हम इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि बाहर की चीज़ों को पाने में, कि हमारे अंदर भीतर जो उसको एड्रेस किया ही नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा साई जी ने कि बचपन से ही, और इन्होंने भी जैसे कहा कि इमोशंस तो देखते ही नहीं है, सिर्फ बाहर की तरफ ही जाते हैं। और आई थिंक जैसे इनका सवाल ये था कि हम कैसे कुछ कर सकते हैं इनके लिए, तो आई थिंक कर ये सकते हैं कि बचपन से स्कूल्स में टीचर्स ने ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि जो स्ट्रेस है बच्चों का वो बहुत ही बेसिक लेवल से उनको हैंडल करना सिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि आगे जाके ये नौबत ही ना आए कि सुसाइड अपनाना पड़े। मुझे लगता है ये तो आप नहीं इशारा कर रही होंगी कि जो हम जिन अभिनेत्रियों ने या इस उद्योग के लोगों ने आत्महत्या की उनको बचपन में ये नहीं सिखाया गया होगा। आपने देखा होगा ये सारे अभिनेत्री, मोस्ट ऑफ देम लाइक प्रवीण बाबी और व्हाटएवर, हैव हैड नॉट अ वेरी गुड चाइल्डहुड, हैव नॉट हैड अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, इस वजह से आई गेस फर्क पड़ता है। क्या है, एक है कि एक बहुत जरूरी है जो हम हमेशा कंफ्यूज कर रहे हैं, एक है मेंटल इलनेस। अगर किसी को मेंटल इलनेस हो जाती है तो वो किसी को भी हो सकती है, जैसे किसी को मलेरिया होता है या टाइफाइड होता है, तो वी शुड नॉट कंफ्यूज द टू थिंग्स। एक है कि अगर हम मतलब बच्चे, ये बच्चे स्ट्रेस करके सुसाइड क्यों कर रहे हैं या ये लोग क्यों कर रहे हैं, वो है क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रेशर्स ऑफ लाइफ। वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं। तो एक है एक सेटिस्फैक्शन लेवल, दूसरी बात है कि हम अपना पहचान कैसे बनाते हैं। क्या मैं अपने आप को सिर्फ सोचती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, कि मैं अपने अंदर इंसान को भी एक अलाइव रखने की कोशिश करती हूँ, अपने बच्चे को भी अंदर, जो हर एक में एक बच्चा होता है वो अपने आप को अलाइव रखते हैं। वो अगर मैं अपने आप को सोचूंगी कि मैं सिर्फ एक्ट्रेस हूँ और सब मुझे एक्ट्रेस की तरफ से ही देख रहे हैं, और मतलब मैंने एक गलती कर दी तो सब सोच रहे कि एक्ट्रेस ने गलती कैसे की, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई। दो तीन रीजन भी है अंजलि, मैं उस पर भी बात करूंगा आपसे भी सही, लेकिन ये शायद उतना आसान नहीं है खासतौर पर इस ग्लैमर उद्योग के बारे में। लेकिन मनीष कोलकाता से हमारे साथ हैं, पहले हम सुन लेंगे उनकी बात क्या है। इसका जवाब तो सबसे शुरू में शायद साही दे चुकी हैं, पैशन, जुनून, जोश, महत्वाकांक्षा, रचनात्मकता,
सबसे कॉम्पिटिटिव बिजनेस है ये, सबसे कॉम्पिटिटिव, और क्योंकि मतलब इतने 10,000 लोग एक चीज तक की कोशिश करते हैं और एक पहुंचते हैं। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे, मैं कहना चाहूंगी लोगों को बहुत एक एज आई सेड लोगों को गलत फहमी है, यहाँ जाओ हीरो बन जाओ, कल पर हीरो बन जाओ, शाहरुख खान कैसे बन गया, दिल्ली से आया हुआ लौंडा था हीरो बन गया, ऐसे नहीं होता। तो इस वजह से लोग आते हैं यहाँ पे गलत धारणा लेकर, क्योंकि इंस्टेंट सक्सेस मिलता है, ये एक इंडस्ट्री है कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज कि यहाँ पे बहुत जल्दी या तो आप स्कैम कर दो, वहाँ पे एक इंस्टेंट सक्सेस है, या तो आप इस इंडस्ट्री में जाके हीरो बन जाओ और ओवरनाइट पॉपुलर बन जाओ। तो ये कारण है जिस वजह से लोग खींचे चले आते हैं इस इंडस्ट्री में। तो एक नतीजा तो हमको ये मिला कि ये जो तुरंत मिलती हुई कामयाबी है वो भी अपने आप में शायद एक समस्या बन जाती है, बोझ बन जाती है, जिसका वजन कई लोग उठा नहीं पाते। जिम्मेदार कौन में हम ये बात जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। जिम्मेदार कौन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्लैमर की दुनिया की, और थोड़ा स्टूडियो से बाहर निकल के देखते हैं कि बाहर के लोग क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में और इसकी असलियत के बारे में। जल्दी जल्दी अमीर होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कभी दूर की नहीं सोचते, और इसकी वजह से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में आके थोड़े फेल्यूर से वो निराश हो जाते हैं और सुसाइड कर देते हैं। पर्सनल लाइफ और ये करियर लाइफ, इनमें एक तालमेल ना बना पाने से फिर ये डिप्रेशन आ सकता है और उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पोजीशन नंबर 1 पे पहुंचना चाहते हैं लेकिन इतने अंदर बीचों इतनी गर्दी है कि बीचों बीच ही रह जाते हैं और उसी स्ट्रेस लेवल में कहीं अपनी जान दे बैठते हैं। इमोशनल इनसिक्योरिटीज, मेरे हिसाब से दिस इज द मेन रीजन फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग। पीपल स्पेंड द एंटायर लाइफ फॉर दैट मटेरियल नीड्स, ओके, बट दैट डजंट मीन दे फॉरगेट हाउ टू लिव, बिकॉज देन दे आर लेफ्ट लोनली एंड देन दी सुसाइडल अर्जेस कम। डिप्रेशन की वजह से लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आपस में किसी के पास टाइम ही नहीं है। कितनी अच्छी बात कही है इन सब ने, मैं तो चकित हूँ इन लोगों की बात सुन के कि वो लोग सांसारिक कामयाबी की खोज में जीना भूल जाते हैं और जीने का तरीका भूल जाते हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ हमारे साथ जीने की कला, आपके पास जीने की कला खोजने कुछ लोग आते हैं क्या इस उद्योग से? किस तरह की समस्या लेके आते हैं संगीता? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो आर्ट ऑफ लिविंग में आते हैं प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। प्रॉब्लम्स तो हर एक, ऐसे कोई भी नहीं है इंसान जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो जो भी आते हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा। पर ज़रूरी नहीं है कि कोई हर एक जो आए वो एक किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढने के लिए आ रहे हैं। सब एक आर्ट ऑफ लिविंग का मेन ये क्या है कि हमारी जो पोटेंशियल है, जो फुल पोटेंशियल लाइफ की है, वो हम जी सकते हैं। तो वो ठीक है, लेकिन तो जो जिन समस्याओं की बात हम कर रहे हैं, दबाव की, असुरक्षा की, और जैसे एक बहुत अच्छी बात कही हमारे एक अभी साथी ने, हमने सुना, इमोशनल इनसिक्योरिटी, एक भावनात्मक असुरक्षा भी उनमें बन जाती है, ये बनती है क्या साई? देखिए, जैसे इन्होंने आत्मीयता की बात कही थी कि आत्मीयता जो घर में मिल जाती है, चूंकि घर से अलग लोग रह रहे थे, वो आत्मीयता नहीं मिलती। इनफैक्ट इट्स वेरी सैड कि 90% ऑफ द यूथ आज जो है वो इमोशनली इनसिक्योर है, ये है वो, और यहाँ आकर वो असुरक्षा बढ़ जाती है। वो ऑब्वियसली इतना कंपटीशन देखकर सब लोग सफल हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं हो रहा, इस वजह से और वो बढ़ती रहती है। और फिर फैमिली, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज सैड टू से आर अगेंस्ट द चिल्ड्रंस विशेज, बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, माँ बाप कुछ और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो क्लैशेस होते रहते हैं, इससे इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है क्योंकि आपको लगता है मेरे पीछे कोई नहीं है जो मेरा साथ दे रहा है। बहुत कम माँ बाप जो चाहते हैं बच्चे फिल्मों में जाएं। बिल्कुल, हाँ। और मैंने यूजुअली देखा है, जैसे डॉक्टर जी बताएंगे हमें, कि 90% केसेस में अगर आपके माँ बाप, आपकी फैमिली बहुत स्ट्रांग हो, आपके ड्रीम्स को अचीव करने में मदद करे, तो यूजुअली आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो, यूजुअली ऑन एन एवरेज। आपके पास कैसे लोग ज़्यादा आते हैं, मैं इस उद्योग की बात कर रहा हूँ, किस तरह की समस्याएं सवाल लेकर आते हैं? देखिए, क्या है, डिप्रेशन बहुत कारण के लिए हो सकता है। एक है कि एक हार्मोनल डिप्रेशन जो होता है
जिसमें कोई कारण नहीं होता है, और दूसरा जो डिप्रेशन होता है जो रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं एक लव के खोज में, एक इस खोज में कि मतलब एक जो हमारा जो रिलेशनशिप है वो एकदम अच्छा है, मेरा पति ऐसा क्यों करता है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे क्यों करती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब एक जो सवाल होते हैं उस वजह से, उसमें से एक अपने दुख निकल मतलब दुख में से निकलने की वजह से लोग आते हैं हमारे पास। अंजलि, आपने पहले एक बात कही थी, आपका एक सवाल था, अच्छा पहले आपका सवाल ले लें उसके बाद मैं बात करूंगा। जी देखिए, आज तो छोटे पर्दे पे या बड़े पर्दों पर स्टार्स बनते हैं गिरते हैं। आज आप अगर देखेंगे अमिताभ बच्चन, उनका एक जो पीरियड था जो इतना डाउन था, फिर भी आज वो उससे उभर कर ऊपर आए। मैं साई जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई ग्लैमर इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उनको स्टेबलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है मेंटली, ताकि भैया ये कल नहीं रहेगा, मैं शायद सक्सेसफुल नहीं होगा, मेरे पास कुछ है ना जिससे जाकर मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि गैम्बल है ये। और मैं सोचती हूँ कि स्टेबिलिटी सिर्फ ऐसे सोचने से नहीं आ जाती है कि अच्छा चलो मैं स्टेबल रहना चाहता हूँ, चलो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेटस इंसान को जो सोच होती है उसके बारे में भी, जैसे साई जी ने कहा कि इंसान को ये जो फेलियर होता है उसको एक्सेप्ट करने की भी एक एबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो वो जो स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी की आप बात करें, इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी, वो ऐसे ही सोचने से नहीं आ, सब चाहते हैं कि वो स्टेबल रहें। अच्छा, उसमें एक चीज और जो हम पाते हैं कि चूंकि इस दुनिया में नशाखोरी खूब होती है ना, पार्टीज दिन रात, जो लाइफस्टाइल है पूरी वो वैभव विलास भोग विलास उसी की है, बढ़िया खाना पीना, और हम पाते हैं कि कई स्टार्स चाहे वो स्ट्रगलर्स हों चाहे बिल्कुल शिखर के हों, वो कहीं ना कहीं अपने अकेलेपन में कुंठा में उसमें नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, हमने बहुत से उदाहरण देखे। राइट, ये जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही है, और क्या है लाइफस्टाइल का भी एक नशा होता है कि आपके पॉकेट में पैसे नहीं हैं मगर वो लाइफस्टाइल जीनी ही है, प्लस आप सुबह से दोपहर तक उदास बैठे हैं मगर शाम को पार्टी पे जाके आपको एक वही स्माइल देना है, एक वैसे ही लगना है जैसे लोग आपको देखना चाहते हैं, आप अपने घर में ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं जैसे आम इंसान बैठ सकते हैं। और प्लस नशा जो एक मतलब बहुत आम चीज़ हो गई है आज, मतलब सिर्फ ग्लैमर इंडस्ट्री में नहीं हर जगह नशा इतनी आम चीज़ हो गई है जो हमारे यूथ को मतलब खाए जा रही है। आई फील जो लैक ऑफ फुलफिलमेंट है ना, उससे आदमी इंडल्जेंस की तरफ बढ़ रहा है ड्यू टू दैट लैक ऑफ फुलफिलमेंट विद इन। लेकिन समस्या तो यही है जैसे आपने कहा कि लैक ऑफ फुलफिलमेंट तो आता है भीतर से, लेकिन जब हम उस फुलफिलमेंट को बाहर ढूंढने लगते हैं, उसके स्रोत हमें लगता है कि एक फिल्म के हिट हो जाने में है, सीरियल के हिट हो जाने में है, एक बहुत अच्छा फैशन शो मिल जाने में है, तब समस्या होती है। जब वो नहीं होता, जो शत प्रतिशत हो नहीं सकता किसी के जीवन में, तो फिर हम बिल्कुल धराम से गिरते हैं और असलियत को जानते नहीं कहाँ ढूंढना, तो फिर उसको फिर ड्रग्स और अल्कोहल इंडल्जेंस में ढूंढने लगते हैं। इसके साथ ही हम ले रहे हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जिम्मेदार कौन में हमारी बातचीत जारी रहेगी, जाइएगा मत। और जाने से पहले लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार का सवाल क्या है जो हम आपको दे रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि ये तीन उत्तरों में से कौन सा आपको ठीक लगता है। सवाल है, ग्लैमर की दुनिया में बढ़ते जा रहे तनाव का कारण आप क्या मानते हैं? ए, कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी होर कंपटीशन, बी, असुरक्षा की भावना, और सी, महत्वाकांक्षा एम्बिशन। हमें जल्दी से बताइए कि इन तीनों में से किस सवाल किस जवाब को आप ठीक मानते हैं, SMS करके 3636 पर। हम जिम्मेदार कौन में अभी लौटते हैं। जिम्मेदार कौन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्लैमर की दुनिया की और उसकी उसके भीतरी खोखलेपन की जो कई बार कई लोगों को आत्महत्या तक ले जाता है। साई, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि बचपन से किसको कैसा बचपन मिला है, ट्रेनिंग मिली है, वो तो संभव नहीं है, लेकिन आने के बाद इस दुनिया में आने के बाद क्या कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो लोग अपना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा भीतर से मजबूत हो जाए? ऑनेस्टली
जेन्युइनली अगर मैं एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, साधारण जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ, तो आर्ट ऑफ लिविंग और ये सब चीज़ें करना सबके बस की बात नहीं है. ये ऑनेस्टली कुछ लोग हैं जो जाके कर सकते हैं, विच आर वेरी लकी. लेकिन आई गेस साधारण सामान्य लोग अपनी आम जिंदगी में, क्योंकि क्या है, स्ट्रेस अगर आप कहें कि कम करना, करने की कोशिश करनी भी चाहे तो कम नहीं हो सकती. ये रियलिटी है, इसे फेस करना पड़ेगा. तो उसमें ही उतने ही हमारे मार्जिन में हम जितना कर सके उतना आई थिंक एवरी इंडिविजुअल और एवरी फैमिली शुड ट्राई टू डू. बहुत कुछ मेजर चेंज मेरे ख्याल से. देखिए क्या, एक स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में एक बहुत ही बड़ा अंतर है. स्ट्रेस तो सबको होता है, मगर जब स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है तब उसके लिए मदद लेना बहुत ज़रूरी है. आप कैसे मदद लेते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, मगर ये एक जो ख्याल आना, आपके मन में अगर ये ख्याल आया है तो उसके लिए आप ज़रूर मदद लीजिए. मतलब तब हिचकिए मत कि मुश्किल ये है कि कई जगह तो अब हेल्पलाइंस हैं और कई जगह अब ऐसा है कि आप जा सकते हैं. मदद कई तरह की मिल जाती है, लेकिन स्टार हो जाएं आप, बड़े हो जाएं, तो आप शायद किसी के पास खुल के जा नहीं सकते. मेरी समस्या है, मगर उस समय पे आपको एक मदद लेना जरूरी है, क्योंकि आप तब स्टार नहीं है, तब आप आम इंसान है. तो इसीलिए एक बहुत एक अंतर रखना, अपने को आम मानने और आम महसूस करने करना ही तो छूट जाता है शायद. मेरे एक्सपीरियंस में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे कोई भी हो, किसी बीइंग एन इंडियन, ये जो हमारी वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम लोगों के पास ये खजाना है, ये ज्ञान का खजाना है. हर एक इंसान, चाहे आप कोई भी लाइन में हो, चाहे कुछ भी करो, कौन सी ज्ञान किसकी बात कर रहे हैं, हर एक को एक कुछ ना कुछ ध्यान या प्राणायाम या योग कुछ करना चाहिए मन स्थिर रखने के लिए. जब मन स्थिर रहता है तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो आप उसका सामना अच्छी तरह कर सकते हैं. और मन तनाव कम नहीं कर सकते, दबाव कम नहीं कर सकते, उनसे निपट जरूर सकते हैं. हमारे साथी जी, आपका सवाल. मेरा सवाल साईं जी से है. साईं जी, देखा गया है कि मीडिया इंडस्ट्री में लोग उसी का साथ देते हैं जो सक्सेसफुल होता है, तो क्या यही भावना जो है उन्हें डिप्रेशन का कारण होती है उनके लिए? मैं याद दिला दूं साईं, नादिरा, मीरा कुमारी, परवीन बाबी, जब मरी पाई गई, कोई मिलने नहीं जाता था. उनके पुराने दोस्त ही उनको छोड़ चुके थे, कोई मिलने नहीं जाता था, कोई बात करने वाला नहीं, कोई जो उनके बल पे बने वो भी सब उनको छोड़ गए थे. तो ये स्वार्थ के रिश्ते जो हैं, जो बहुत बनते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं, हर जगह बनते हैं, हर जगह रहते हैं, बिल्कुल हर जगह रहते हैं. प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स में, यही प्रॉब्लम है लैक ऑफ सक्सेस की, कि हम रिलेशनशिप में ये देखते हैं कि मुझे दूसरे इंसान से मुझे क्या मिल सकता है, ये नहीं देखते कि मैं क्या दे सकता हूँ. और देने में जो जॉय है वो बहुत कम लोगों को आजकल महसूस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. हमारे हाँ जी, आपका सवाल. ऐसा क्या है इस ग्लैमर इंडस्ट्री में जहाँ सफलता मिलने के बाद लोग अपने आप को क्या समझते हैं, जहाँ की एक परिवार नहीं बसा सकते, लोग तमाम तरह की अटकलें लगाते हैं कि अगर आप इस तरीके के काम करते हैं या परिवार बसाते हैं तो आपका, आप जो एक्ट्रेस हैं आपको ये काम नहीं मिलेगा, आपको यहाँ काम नहीं मिलेगा. तो इस तरीके की चीज़ें क्यों होती हैं इस इंडस्ट्री में? मैं एक उदाहरण हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और टच वुड भगवान की कृपा से अच्छा काम कर रही हूँ, और ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है. नहीं, ऐसा है तभी तो इतने सारे रिश्ते बन रहे हैं. अभी हम सुनते ही रहते हैं कि कुछ शादियां नहीं हो रही हैं इसलिए कि दोनों की मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी. ये बिल्कुल आपके उद्योग का सच है. आप बहुत लकी हैं कि आपके साथ ऐसा है. क्या है जो आप बोल रहे हैं वो सच बात है. एक ट्रेंड था ये, मैं मानती हूँ. देयर वाज अ पीरियड जब लोग, अभी फिलहाल थैंकफुली जैसे सोसाइटी थोड़ी सी ओपन हो रही है, मतलब पारिवारिक का आपको एक सपोर्ट है कि आपको, आपके फैमिली ने आपको इस तरीके से ब्रॉट अप किया है कि आप इस इन चीजों को समझ सकती है. लेकिन उन लोगों के बारे में बताइए, आप ये कहना चाह रही है कि जो इंडस्ट्री में है उनके प्रॉपर मैरिज या प्रॉपर फैमिली हो नहीं सकती. लेकिन मैंने अभी सुना मैंने अखबार में पढ़ा और वो जिम्मेदार तरीके किसी ने लिखा था कि भाई ये ऐश्वर्या अभिषेक की बड़ी बात चल रही है लेकिन वो शादी नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की मार्केट वैल्यू, दोनों इस समय अपने पीक पर है, शादी करेंगे तो ये कौन कह रहा है? ये हम लोग ही कह रहे हैं. शायद वो शायद शादी ना करे क्योंकि उनकी शायद मार्केट वैल्यू कम हो जाए. हम जानते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में. इज इट रियली व्हाट इज हैपनिंग इज व्हाट वी आर सीइंग. सच में वो इंक्लाइंड प्रमाण है हमारे पास. अभी तक तो ऐसा ही होता आया है कि रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं. तो आखिर इन रिश्तों में इस तरीके की, देखिए ऑनेस्टली ये हिपोक्रेसी होगी बोलने में कि बाकी के जो जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, मैरिटल प्रॉब्लम्स या फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं है. और ये लिए, नहीं हुआ उसके लिए सही मैं फिर रोक रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है. उसके लिए जरूरी है शायद सबके लिए कि ये मानना कि सपने और जिन सपनों से खिंच कर हम यहाँ आए थे उनमें और असलियत में बहुत फर्क है.
यथार्थ में बहुत फर्क है, और जहां ये फर्क लगे तो हमें छोड़ देना चाहिए सपना छोड़ के, जमीन और जिंदगी। फेलियर से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीज जानने चाहिए कि हर फेलियर के बाद ही कामयाबी मिलती है, और उसके बाद जो दरवाजा खुलता है वो और भी बेटर हो सकता है, उसके बाद जो रास्ता मिलता है। जैसे कि हमारे राइट ब्रदर्स से जो प्लेन बनाए, उनके म्यूजियम्स बने हैं उनके फेलियर्स के, और बाद में देखे कितना सक्सेस मिला उन्हें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले अपने ही बनाए हुए हम इमेज से, छवि से, उस हाइप से बाहर निकलें, हाँ। और अपने को एक इंसान, आम इंसान माने, और फिर जीने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का बहुत अच्छी बातचीत के लिए ऐसे थोड़े संवेदनशील विषय पर, और अपने ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेदार कौन में इस बार इस विषय पर चर्चा हम यहाँ रोक रहे हैं। बात बहुत हो सकती थी लेकिन समय नहीं है। चलते चलते दो काम, एक तो आपको आज का बताना है सवाल। सवाल है, ग्लैमर की दुनिया में बढ़ते जा रहे तनाव का कारण आप क्या मानते हैं? ए, कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, बी, असुरक्षा की भावना इनसिक्योरिटी, और सी, महत्वाकांक्षा एम्बिशन। इनमें से जो आपको ठीक लगता हो, ए, बी या सी, 3636 पर SMS करके हमें बताइए। और पिछली बार हमने आपको जो सवाल दिया था वो था, पुलिस भ्रष्टाचार का कारण आप क्या मानते हैं? आपने जो हमें जवाब भेजे हैं वो ये हैं, 40% लोगों ने माना है कि सरकारी दबाव, 36% ने माना है लालच, और 24% ने माना है जनता के प्रति जवाबदेही का अभाव। इसके साथ ही जिम्मेदार कौन की इस कड़ी में आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, नए मेहमानों और एक नई बहस के साथ। नमस्कार।